स्पर्श की वेबसाइट पर मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी में ब्राउजर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको स्पर्श सर्च करना है और यहाँ से स्पर्श के सर्च रिजल्ट पर क्लिक करके स्पर्श की वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ से आपको सर्विस में जाकर यहाँ ट्रैक में अपडेट मोबाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्पर्श पीपीओ नंबर भरना है। अगर आपके पास स्पर्श पीपीओ नंबर नहीं है तो आप हमारी दूसरी वीडियो देखकर स्पर्श पीपीओ नंबर पता कर सकते हैं। पीपीओ नंबर भरने के बाद आपको यहाँ इस ऑप्शन में कुछ नहीं भरना है। यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन टाइप में आधार सेलेक्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पेंशनर का आधार नंबर यहाँ पर भरना है। आधार नंबर भरने के बाद आपको यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी यहाँ पर भरना है। ओटीपी भरने के बाद आपको यहाँ न्यू मोबाइल नंबर में और कंफर्म न्यू मोबाइल नंबर में आप जो मोबाइल नंबर स्पर्श में रजिस्टर करना चाहते हैं उसको भरना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ वैलिडेट एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप स्पर्श की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको स्पर्श वेबसाइट पर लॉगिन करने का नहीं पता तो आप हमारी दूसरी वीडियो देखकर लॉगिन कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। जय हिंद।